नमस्कार, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम श्रवण गर्ग की खरी खरी। हमारा वो कार्यक्रम जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणियां करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिल मिला के रह जाते हैं। आज भी हम बात करेंगे श्रवण जी से और उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनका नजरिया समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से दो ओपिनियन पोल्स कह सकते हैं, सर्वे कह सकते हैं, और उन दोनों ओपिनियन पोल्स में राहुल गांधी की लोकप्रियता को लेकर दो अलग अलग आंकड़े पेश किए गए हैं। तो हर न्यूज एजेंसी का या हर ओपिनियन पोल सर्वे के अपने अपने मानदंड होते हैं और अपने अपने हिसाब से चीजों को वो करते हैं, लेकिन इन दोनों में एक चीज जो बड़ी कॉमन है वो ये है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो रही है और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आ रही है, यानी गिरावट आ रही है। ये जो कमी और गिरावट का जो खेल है, दरअसल इस खेल से क्या अर्थ निकाला जाए, क्या इससे यह अर्थ निकाला जाए कि दरअसल देश की राजनीति में कुछ बुनियादी बदलाव हो रहे हैं, क्या राहुल गांधी अब उस मकाम पे पहुंच रहे हैं जहां देश उनको एक्सेप्ट कर रहा है और देश आने वाले दिनों में उनको और एक्सेप्ट करता हुआ दिखाई पड़ेगा, यानी उनकी पॉलिटिक्स को और मजबूती मिलेगी, या फिर ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जो गिरावट आ रही है उसका फायदा उनको मिल रहा है। अगर उनकी लोकप्रियता में गिरावट आ रही है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बीजेपी की जो राजनीति है अब वो कमजोर हो रही है और आने वाले दिनों में और कमजोर हो सकती है। 2024 के चुनाव में हमने साफ तौर पर देखा कि बीजेपी को गठबंधन की सरकार बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके लिए वो कतई तैयार नहीं थी। गठबंधन की सरकार बनाने का मतलब यह है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी अपने उस एजेंडे को आगे लागू करते हुए नहीं दिखाई पड़ सकते जो वो अभी तक करते थे या करना चाहते थे। ये जो बुनियादी बदलाव देश की राजनीति में आया है, इसको नए सिरे से समझने की कोशिश करते हैं श्रवण गर्ग जी से। श्रवण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। जी देखिये, कल दो सर्वे आए, आपकी डिबेट भी मैंने सुनी एक सर्वे ये इस मुद्दे पर, और एक और डिबेट मुकेश कुमार ने की, एक इसके दूसरे पक्ष पर अमरीश ने की। मैंने सबको सुना, मैं समझना चाहता था कि इसमें आखिर है क्या। दो एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, एक तो इंडिया टुडे सी वोटर है और एक सीएसडीएस लोकनीति है। आपको यह भी देखना पड़ेगा कि इन दोनों के जो एग्जिट पोल्स थे वो कितने किस हद तक ईमानदार थे या किस हद तक करप्ट थे, और किसके ज्यादा ईमानदार थे, किसके नजदीक थे और किसके ज्यादा ईमानदार नहीं थे। और उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो लोकप्रियता का सर्वे, उसमें भी दोनों एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी को दाव पे लगाया जाना चाहिए कि ये जो दोनों ने कहा है इसमें देखिए कि क्या बुनियादी फर्क क्या है। मतलब ये कि लोकनीति सीएसडीएस के सर्वे में प्रधानमंत्री को 41% लोकप्रियता मिली है कि 41% लोगों के बीच में वो लोकप्रिय हैं। इंडिया टुडे और सी वोटर कह रहे हैं नहीं, 41 नहीं था, आप झूठ बोल रहे हैं, गलत है, 49%। 8% तो बहुत ही, जिसको कहना चाहिए बहुत गजब का फर्क होता है। राहुल गांधी की लोकप्रियता CSDS बता रहा 27% है, तो इंडिया टुडे और सी वोटर कह रहा है आप बहुत ज्यादा बता रहे, ये तो 22% पर ही है। मतलब ये कि एक जो अगर इसको कोई आदमी देखे, दोनों एक कोई ओपिनियन पोल को देख के ओपिनियन बनाए तो वो पता नहीं किस तरह के ओपिनियन पोल में जाएगा, किस तरह के ओपिनियन में जाएगा। मैं आपको एक दूसरा आंकड़ा रखना चाहता हूं। एक चीज जो फैक्ट है वो ये भी है कि इन दोनों ओपिनियन पोल्स में ये नहीं बता रहा है कोई कि ये प्रधानमंत्री की लोकप्रियता का जो आधार है, प्रधानमंत्री के 10 साल तक सत्ता में दिल्ली में बने रहने और उनके पूरे इवेंट मैनेजमेंट का परिणाम है कि वो जो भी काम किया उन्होंने लोकप्रियता के लिए किया। और राहुल जो आए हैं टी शर्ट पहन के और जो हासिल किया वो 2 साल में किया, मतलब न तो रोज कपड़े बदले हैं, न चश्मा और सैंडल बदले हैं, न घड़ी बदली है उन्होंने, और न हवाई जहाज में घूमे हैं। तो ये मोदी जी के बरक्स राहुल का जो अचीवमेंट है केवल 2 साल का है, तो वैसे भी आप कंपेयर नहीं कर सकते। अगर
आप उनको भी 10 साल दे रहे हैं और इनको भी 10 साल दे रहे हैं, तो आप बेशक तुलना कर सकते हैं। मैं एक और मुद्दे पर आ रहा हूं, वो मुद्दा बहुत लोगों ने किया होगा पर इस नजरिए से नहीं किया होगा कि 140 करोड़ लोगों का देश है हमारा। उस 140 करोड़ के देश में 96,88,00,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। 140 करोड़ के देश में 96,88,21,926 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इनका 66% ने वोट किया। ये जो टोटल मैंने बताया 96 करोड़, इसका 66% ने वोट किया, मतलब ये कि 64 करोड़ लोगों ने वोट किया। 66% जो है मोटा मोटी, इस 64% में बीजेपी को 36.56% वोट मिले, 36.56। ये 36.56 होता है 24 करोड़, 24 करोड़ 30 लाख। 140 करोड़ के देश पर 24 करोड़ लोगों का समर्थन प्राप्त करने वाली पार्टी हुकूमत कर रही है, आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए। अब आइए सी वोटर का, जो पीएम का जो है, जो पीएम की लोकप्रियता बता रहे हैं, तो सी वोटर में वो कह रहे हैं 49% लोगों के बीच में पीएम लोकप्रिय है। 140% का जो 49% होता है वो 68 करोड़ होता है, मतलब देश की आधी आबादी भी नहीं होता है। और अगर लोकनीति का अगर आप सर्वे देखें तो 140 करोड़ का 41% जो है 57 करोड़ होता है। अब आप देखिए कि मतलब पीएम की पॉपुलरिटी को अगर परसेंटेज में नापना हो पूरे देश के संदर्भ में, और बीजेपी कितने लोगों पर हुकूमत कर रही है, कितने वोट, 24 करोड़ लोगों मतों के साथ वो कर रही है। दूसरी चीज ये कि ये तो हमने लोकसभा के परिणामों में देख लिया, जो आपने भी भूमिका में कहा कि जो पीएम की लोकप्रियता कम हो रही है और राहुल की बढ़ रही है, हमने लोकसभा के नतीजों में भी देख लिया। और दोनों की लोकप्रियता के बीच काफी अंतर है, मतलब सी वोटर को हम सीएसडीएस को सी वोटर के प्रति मेरे मन में काफी संदेह है कि वो ईमानदारी से किया गया है या उसमें किसी तरह का इमोशनल करप्शन नहीं है। पर मैं मोटे तौर पर सीएसडीएस के लोग जो सर्वे है, क्योंकि सीएसडीएस और सी वोटर के उसमें पीएम की लोकप्रियता में 8% का फर्क बता रहे हैं, जो कि एग्जॉर्बिटेंट है। अब आप बताइए कि ये जो एक चीज बताई है इन्होंने, जो मुझे ईमानदारी के करीब लगती है, कि जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, यूपी, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब में राहुल का को आगे बताया गया है, वो लॉजिकली मुझे ठीक लगता है। और यूपी में भी राहुल को सीएसडीएस ने पहले भी आगे बताया था, जो पिछले सर्वेज हैं जिनका जिक्र किया गया है डिबेट्स में। कर्नाटक में, तेलंगाना में मोदी जी को आगे बताया गया, वो भी ठीक लगता है, क्योंकि इस बार जो नतीजे आए हैं तेलंगाना के और कर्नाटक के, वो इंडिया अलायंस की उम्मीदों के मुताबिक नहीं आए, ये भी हमको ठीक लगता है। मतलब इसमें कोई हमको मानने में कोई भरोसा नहीं। हम जिस बात पर फोकस करना चाहते हैं वो ये फोकस करना चाहते हैं कि मतलब इसमें मोदी जी की कोई अवमानना नहीं है, मतलब मोदी जी को पर्याप्त सम्मान देते हुए कि नॉर्थ की स्टेट्स, जिसमें यूपी को छोड़ दें और साउथ में कर्नाटक, तेलंगाना और उड़ीसा को छोड़ दें, तो हमको एक चीज जो नजर आती है वो ये आती है कि मोदी जी की पॉपुलरिटी लगातार बनी हुई है। और दोनों सर्वे में, एक में मोदी जी राहुल के बीच में 14% का फर्क है और दूसरे में 27% का फर्क है। ये बड़ा आश्चर्यजनक है, इतना अंतर आप अगर देखें कि इंडिया टुडे के और सी वोटर के उसमें मोदी जी को 49 है और राहुल को 22 है, मतलब 27% का फर्क है। और सीएसडीएस लोकनीति के
उसमें मोदी जी को 41 है और इनको 27 है, मतलब केवल 14 का, तो इतना बड़ा फर्क, ये एक गले नहीं उतरता है। और इसमें ऐसा लगता है कि कुछ या तो सैंपल साइज का गड़बड़ है, या जो नॉकिंग एट द डोर होता है उसमें टारगेटेड या चिन्हित मकानों पर ही दस्तक दी गई जिससे कि अपेक्षित रिजल्ट निकले। दूसरा ये कि मैं ऐसा एक कह रहा हूं कि राहुल के केस में अगर 22 और 27 के एवरेज को, मतलब एक में 22 का अंतर है, एक में 27 का है, उसको हम 24.5 भी मान लें, और मोदी जी के दोनों केस में जो एवरेज है 45 को मान लें, तब भी दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 20% का, 20.5% का है। अब मैं जो जिस चीज को देख रहा हूं आशुतोष जी, वो ये देख रहा हूं कि मोदी जी की लोकप्रियता में जो गिरावट आई दिख रही है, जो सर्वे में दिख रही है, मैं CSDS की बात कर रहा हूं, वो अब इससे ज्यादा नहीं होगी। दूसरा ये कह रहा हूं कि विधानसभा के विपरीत चुनाव परिणाम भी भाजपा की गिरावट के खाते में जाएंगे, वो मोदी जी की एक्सेप्टेबिलिटी में कमी नहीं बताएंगे, मेरा ऐसा मानना है। अगर विधानसभा के चुनाव के बाद भी अगर इस तरह का कोई ओपिनियन पोल हो तो उसमें ये नजर आएगा कि ये मोदी जी की जो एक्सेप्टेबिलिटी है उसका फैक्टर उतना का उतना बना हुआ है। विधानसभा चुनाव में पर के परिणामों में महाराष्ट्र में उद्धव और शरद पवार का कंट्रीब्यूशन कांग्रेस के मुकाबले या राहुल के मुकाबले ज्यादा होगा, तो अगर राहुल की पॉपुलरिटी में इजाफा नहीं भी होता है तो भी उसको कोई ऐसा अननेचुरल नहीं माना जाना चाहिए। और हरियाणा में भी जो टोटलिटी में जो एंटी इनकम्बेंसी है और टोटल कांग्रेस है वहां जिस तरह की, उसमें मैं राहुल के कंट्रीब्यूशन को ज्यादा नहीं मानूंगा अगर कांग्रेस जीत भी जाती है। तो इन चुनावों से, विधानसभा के चुनावों से, राहुल की लोकप्रियता में ज्यादा वृद्धि और मोदी जी की लोकप्रियता में ज्यादा कमी मैं नहीं देखता हूं। मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो वर्तमान स्थिति है ये विधानसभा चुनाव के बाद भी बनी रह सकती है। अब दूसरा मूल मुद्दे पे हम आते हैं। मूल मुद्दा क्या है कि राहुल की लोकप्रियता में जो वृद्धि हम देख रहे हैं, या जो आप सब लोग कह रहे हैं अरे राहुल की तो लोकप्रियता बढ़ रही है, मोदी जी की कम हो रही है, और उसमें से कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करना चाहते हैं। मैं वो कंक्लूजन्स नहीं ड्रॉ कर रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि राहुल की जो लोकप्रियता में जो वृद्धि है वो उनका पर्सनल कॉन्ट्रीब्यूशन है, और उसमें प्रियंका गांधी का तड़का भी है, और दोनों जितनी भागदौड़ ज्यादा करेंगे उतनी बढ़ेगी। मैं उसमें कांग्रेस का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं मानता हूँ कि ये राहुल ने जो अचीव किया है उसमें कांग्रेस का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है। अनफॉर्चुनेट ये है कि कर्नाटक, तेलंगाना, केरल, हिमाचल को छोड़ के ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर कांग्रेस में पूरी तरह से सन्नाटा है, मतलब ब्लैंक है, और मतलब जिसको दूसरे अर्थों में पक्ष भाषा में रखें तो ये कह सकते हैं कि वाल्मीकि इसमें राहुल हैं जो मतदाताओं के वोट लूटकर कांग्रेस परिवार का पेट भर रहे हैं। मतलब जिस दिन राहुल थककर बैठ जाएंगे कांग्रेस की शॉप पे आधे ताले लग जाएंगे, ये मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि इनमें से कई जो कांग्रेस के लोग हैं अभी भी बने हुए हैं जो बीजेपी के दरवाजों से वापस लौट आए जी। पीएम की छवि में जो डेंट आप दिख रहा है कि पीएम की छवि आप बात कर रहे हैं कि कम हो रही है या उसमें धक्का लग रहा है, वो बेसिकली जो वॉशिंग मशीन कैरेक्टर जो बीजेपी का हो गया था वो उसका परिणाम है, और उस वॉशिंग मशीन कैरेक्टर की जो प्रक्रिया है अगर आपने नोटिस किया हो तो वो अब उस पर विराम लग गया है, मतलब एक तरह का हॉल्ट हो गया है, और कमान जो है विधानसभा चुनाव की, आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री यूक्रेन का युद्ध लड़वाने और कम का बंद करवाने में लगे हुए हैं, और जो चुनाव है पूरा का पूरा वो संघ लड़ रहा है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने चुनाव से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, क्योंकि उनके हमने कोई चुनाव के दौरों के कोई प्रोग्राम अभी हमने देखे नहीं है कि हरियाणा जा रहे हैं कि
जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं या महाराष्ट्र का कुछ हो, राहुल की लोकप्रियता का जो पैमाना है, जो हम कह रहे हैं कि मोदी जी के मुकाबले बरक्स उनकी काफी कम है, तो उसका एक तो मैंने नेचुरल कारण बताया, 2 साल का उनका काम है, 10 साल का नहीं है। दूसरा ये कि जो मुद्दा है, जो मैंने कांग्रेस संगठन की बात आपको कही कि राहुल की लोकप्रियता का संबंध यह है कि बैटलफील्ड स्टेट्स में कांग्रेस कहीं नहीं है, और वो तभी बढ़ेगी जब कांग्रेस में जान आएगी, जैसी राजस्थान में आती हुई दिख रही है और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में नहीं दिख रही है। ये जो मुद्दा है, और कांग्रेस राजस्थान में भी कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, जहां अभी भी गहलोत और उनके जो समर्थक हैं वो काफी पावरफुल है, हिमाचल में आई है जो कम हो जाती है। अगर एक जो फैक्टर है जो मैं बता रहा हूं कि हिमाचल में जान कांग्रेस की सांसद में आ जाती अगर मंडी में कंगना हार जाती, क्योंकि मंडी में कंगना का हारना हिमाचल में कांग्रेस के लिए वरदान साबित हुआ है, क्योंकि वो जो कंगना जी के खिलाफ लड़ रहे थे, जो प्रभा सिंह का परिवार है, वीरभद्र सिंह का परिवार है, वो बहुत ही एक डिसेंट के साथ लड़ रहा था। अब जो मुद्दा है कि भाजपा में, मतलब सर्वे में, जो ओपिनियन पोल में मोदी जी के बाद जिन्हें दावेदार बताया गया है, उनमें जो मैं देख पाया हूं, आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे, कि अमित शाह जी और योगी के बीच में 1% का अंतर बताया गया है जी। अब 1% का अंतर तो कुछ होता नहीं है अगर आप देखें तो, मतलब 1% का अंतर तो थोड़ा सा तराजू को इधर उधर कर दो तो हो जाता है। और गडकरी को काफी नीचे बताया गया है, और तीनों के बीच में, या कम से कम अमित शाह जी और योगी जी के बीच में और मोदी जी के बीच में 20% का अंतर है। अब ये जो 20% का जो अंतर है, ये काफी अलार्मिंग है। मतलब ये तो कहीं से जो ये बात है कि भाई क्या योगी जी को पीछे धकेला जा रहा है जानबूझ करके, या मार्जिनलाइज किया जा रहा है। 20% का अगर डिफरेंस है तो इसका मतलब ये है कि योगी की ऑल इंडिया एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, अगर नॉर्दर्न स्टेट्स में है, मान लो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में है, या मध्य प्रदेश में है, या बीजेपी स्टेट्स में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मोदी को रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे संघ चाहे तो भी। अब मैं आखिरी पॉइंट पे आता हूं कि भाजपा का जो फॉल है वो उस दिन शुरू हो जाएगा जिस दिन मोदी जी सत्ता में नहीं रहेंगे। मतलब मोदी जी का जो, जब भी वो चाहें कि वो नहीं है, कारण ये है कि मोदी जी ने पार्टी में वैकल्पिक नेतृत्व वो चेहरा पैदा ही नहीं होने दिया, जो मतलब आप पा रहे हैं ना 20% का फर्क है अगर मोदी जी में और योगी और शाह में, तो इसका एक इंडिकेशन ये भी है कि वहां कोई सेकंड नहीं है। और अगर यही ओपिनियन पोल प्रियंका और राहुल के बीच में करवाया जाए तो आपको पता चलेगा कि ये लोकप्रियता का परसेंटेज है वो काफी कम है, मतलब दोनों के बीच में अंतर काफी कम है, या और किसी खड़के जी और राहुल के बीच में करवाया जाए। कांग्रेस में वैसी स्थिति इसलिए नहीं है आशुतोष जी, नेतृत्व को लेकर, जैसी भाजपा में है। उसका बुनियादी कारण यह है कि अगर कांग्रेस 139 सालों से जिंदा है तो उसका बेसिक रीजन ये है कि उसके पास वैकल्पिक नेतृत्व के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जो अचानक से प्रकट होते रहे हैं, मतलब नेहरू जी की डेथ के बाद प्रकट हो गया अचानक से कि लाल बहादुर शास्त्री आ गए, या इंदिरा जी के बाद प्रकट हो गए राहुल गांधी, जो राजीव गांधी जो हवाई जहाज उड़ा रहे थे, या 2004 में मनमोहन सिंह प्रकट हो गए जो सोनिया गांधी ने मना कर दिया कि वो, इस तरह का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी में संभव नहीं है कि कोई मनमोहन सिंह और कोई लाल बहादुर शास्त्री पैदा हो जाए उसमें। तो वैकल्पिक नेतृत्व का जो पूरा इश्यू है वो कांग्रेस में ज्यादा रेलेवेंट है। अब राष्ट्रीय सेवक संघ की या संघ की दिक्कत यह है कि वो भाजपा को तो सहारा दे सकता है, जैसा कि दे रहा है, मतलब हरियाणा में पूरी कमान उन्होंने ले ली, अरुण कुमार आ गए वहां संघ की तरफ से,
या महाराष्ट्र में अतुल लिमय ने कमान पूरी संभाल ली है, आप पाएंगे कि झारखंड में भी उन्होंने टीम लगा दी है, शिवराज सिंह को चुनाव वहां का प्रभारी बनाया है, उनके साथ हेमंता बिस्वास हैं और आरएसएस का भी कोई आदमी, मतलब बेसिकली तो शिवराज सिंह आरएसएस के ही आदमी है, तो वो अपने आप में ही पर्याप्त है। तो संघ की दिक्कत यह है कि वो भाजपा को तो सपोर्ट कर सकता है एज ए पार्टी, पर न तो मोदी को हटा सकता है और न भाजपा में उनके समानांतर कोई चेहरा खड़ा कर सकता है, मतलब ये संघ का बहुत ही बड़ा हैंडीकैप है। अब जो आखिरी पॉइंट है हमारी बातचीत का, ये ओपिनियन सर्वे के तौर पर कि मोदी जो है, मतलब जो लोकप्रियता के शिखर पर या जहां भी हैं, वो उन्होंने अर्न किया है। मैं पहली चीज तो मैं बोल चुका हूं कि उन्होंने स्वयं के इवेंट मैनेजमेंट से या पर्सनैलिटी से या टोटकों से या व्हाटएवर उन्होंने अर्न किया, इसमें बीजेपी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। बीजेपी का अगर कंट्रीब्यूशन होता तो वो अटल बिहारी वाजपेयी को हारने नहीं देती, या संघ का कोई कंट्रीब्यूशन होता तो वो हारने नहीं देती। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह इस मायने में हैं कि उन्होंने अपनी छवि बिना पार्टी की मदद के स्वयं गढ़ी है और अब इच्छा सत्ता को प्राप्त कर लिया है। इच्छा सत्ता का मतलब ये कि वो अगर जन्मदिन पर घोषणा कर दें कि भाई मैं अब 75 का हो रहा हूं और मैं अब नहीं अवेलेबल हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के सामने भयानक संकट उत्पन्न हो जाएगा। या वो ये कह दें कि 2029 का चुनाव मेरे नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा, तब भी आप पाएंगे कि बहुत पूरी की पूरी वो भारतीय जनता पार्टी पागल हो जाएगी, मतलब बौखला जाएगी। इस मुद्दे पर अभी हमारे यहाँ विचार शुरू नहीं हुआ। मैं आखिरी लाइन बोल रहा हूं कि राहुल को अगर अपनी लोकप्रियता का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बढ़ाना है तो या तो मोदी जी के सत्ता छोड़ने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, पहला पॉइंट, और या फिर कांग्रेस को मजबूत करना पड़ेगा, जो कांग्रेस नहीं है। राहुल का जो भी लोकप्रियता का परसेंटेज है वो राहुल की अपनी खुद की अर्निंग है जो उन्होंने 2 साल में की है। अब हो सकता है कि 2029 तक वो परसेंटेज 5% 10% और बढ़ जाए, तो हो सकता है उस दौरान मोदी जी का परसेंटेज और बढ़ जाए, तो ये जो सी वोटर है हो सकता है उस समय मोदी और राहुल के बीच के गैप को अभी जितना है उसको बढ़ा के और दुगना कर दे। तो इसलिए ये जो कुछ 2 सर्वे आपने पेश किए उसको मैंने अलग अलग तरीकों से देखा, जनसंख्या, टोटल वोटर्स, बीजेपी को जो वोट शेयर मिला वो कन्वर्ट किया 24 करोड़ लोगों के बीच में, और मोदी जी के पॉपुलरिटी के परसेंटेज को मैंने कन्वर्ट किया, और तमाम चीजों के आधार पर मैंने ये जो निष्कर्ष निकाला है कि इसमें जो सी वोटर का सी वोटर का जो सर्वे है वो क्रेडिबल है, और सी वोटर नहीं माफ कीजिए ये CSDS लोक नीति का जो सर्वे है, ओपिनियन पोल है, वो ज्यादा क्रेडिबल है, और सी वोटर इंडिया टुडे का जो है उसमें मैं कुछ किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता पर वो विश्वसनीय नहीं है, और ये हमारे आम नागरिकों को पता चलना चाहिए, और वो उन्होंने एग्जिट पोल के समय, चुनाव पूर्व ओपिनियन पोल्स के समय उन्होंने इनकी क्रेडिबिलिटी को वैसे भी देख रखा है। तो आज की बातचीत में आशुतोष जी बस इतना ही जी। हो सकता है ते? आपके दर्शकों को इसका कुछ लाभ मिले और वो सोचने को मजबूर हो। थैंक यू सर, थैंक यू।